यूपी में खुले प्राइमरी स्कूल बड़ी लापरवाही हुई उजागर। मीडिया में छपास की जल्दबाजी में शिक्षिका भूली शिक्षिका निदेशक के कोरोना गाइडलाइन का पालन, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई, न खुद लगाया मास्क न ही मासूम बच्चों की जान की फिक्र। सैनिटाइजर का तो दूर दूर तक पता नहीं, लेकिन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने की ललक में बच्चों को दे डाले फूल और गुब्बारे। मामला बुलंदशहर ब्लॉक के हरतौली गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। सारे नियम और सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर ये भी प्रधान अध्यापिका खुद पर इटलाती नजर आ रही हैं। इन्हें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। फिलहाल अपने विभाग की इस बड़ी चूक पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। ऐसे में बड़ी लापरवाही का संज्ञान सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश दुबे जी को तो लेना ही चाहिए, ताकि इन मासूमों की जान को दांव पर लगाने की गलती कर रहे लापरवाह अध्यापकों को सबक मिल सके। आज विद्यालय लगभग एक वर्ष बाद खुले। कक्षा एक से पाँच तक के बच्चे विद्यालय में आए हैं। आज कक्षा एक का और पाँच का 50% बच्चों का टर्न है, और सबसे पहले हमने बच्चों का फूलों द्वारा बैलून द्वारा स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद बच्चों ने माँ सरस्वती का नमन किया, प्रार्थना सभा आयोजित की गई, और आज हम आज के दिवस को समारोह के रूप में मना रहे हैं। और कल से बच्चों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव के तहत पढ़ाई